असी लगातार दिल्ली के कुंडली बॉर्डर तो जुड़े हुए हैं, सरकार भी घबराई हुई है, लखां की गिणती के किसान इस बॉर्डर से जो पहुँच चुका है, दिल्ली की धरती के किसानों का पक्के मोर्चे ने। अज ये भी खबर सामने आ रही है भी जो बीजेपी के प्रधान ने JP नड्डा उन्होंने घर कई मंत्रियों की मीटिंग चल रही है, खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ते राजनाथ सिंह हुणी पहुंचे ने, लगातार चर्चा चल रही है भी की फैसला लेना सरकार ने, सरकार भी घबराई हुई है। तस्वीर तुहानू दिखाउने आ, इह इतिहासक तस्वीर ने, इतिहासक तस्वीर इस करके ने, हरियाणा ते पंजाब दे किसान इकट्ठे ने, भाई भाई बने हुए ने, भाई भाई बन के सरकार नू घेर रहे ने, सानू तस्वीर दिखा रहे हैं। समय जी गलबात भी करांगे, हरियाणे तो भी आए ने इस किसान ते पंजाब तो भी ने, गलबात करदे आ। सेवा सिंह आ रही है, की कहना चाहुंदे हो हरियाणे तो तुसीं? हां मैं हरियाणे से हूं भाई जी, और आज हम यहाँ पर आए हैं लगातार, वैसे तो लगातार चल रहे हैं हम, लेकिन आज फिर गांव से हमारे जत्थे में गांव से भी चल पड़े हैं। लोगों ने सब में इतना उत्साह है कि वो गांव गांव में अब अपने आप ही इकट्ठे होकर के उन्होंने अपने ट्रैक्टर ट्रालियाँ शुरू कर दिए चलने के लिए कि हम दिल्ली कुछ करेंगे। और जो केंद्र सरकार हठधर्मिता पर अड़ी हुई है, तो किसान चाहते हैं कि किसानों का हक जो है वो किसानों को दिया जाए, और तीन कानून जो काले कानून बनाए गए हैं इन काले कानूनों को रद्द किया जाए। जब तक ये काले कानून रद्द नहीं करेंगे तो पंजाब हो चाहे हरियाणा हो चाहे पूरे देश का कितना ही किसान हो, सारे देश का किसान आज खड़ा हो चुका है। सारे देश के किसान में उसके दिल में एक आवाज़ बन गई है कि हम अपने हक लेकर के रहेंगे। मोदी सरकार जुल्म और जोर जुल्म से तो चाहे हमें कुछ कह ले, लेकिन इनके दिलों को नहीं जीत सकते। आज हर किसान के दिल में एक बात पैदा हो गई है कि हमने अपना अधिकार लेकर के रहना है। पंजाब के किसान डट के खड़ूगा हरियाणा? पंजाब के किसान तो पीछे रहेंगे, आगे हरियाणा का किसान आगे रहेगा, आगे डट के इनका मगर इनके साथ रखेंगे, ये हमारे पीछे रहो, हम इनके आगे रहेंगे और दिल्ली की साइड में हम ही जाएंगे सबसे पहले। हरियाणा के मुख्यमंत्री तुहानू भी रोकिया, तुहाडे आगू भी गिरफ्तार किए, हरियाणा के पंजाब के किसानों भी रोकिया, क्यों रोक रहा तुहाडे मुख्यमंत्री? देखिए प्रजातंत्र का तरीका नहीं है, लेकिन ये सरकार जो है तानाशाही रवैये पे आ चुकी, वो अंग्रेजों वाली नीति इन्होंने पूरी अपना ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री तो पगला गए हैं, उनके तो दिमाग फिर गए हैं। वो सोचते थे कि किसानों को रोक दिया जाए, प्रजातंत्र में हर किसी आदमी को अधिकार है अपनी बात कहने का, लेकिन ये सरकारें कहते हैं कि आप बोल भी नहीं सकते, आप चल भी नहीं सकते, खा भी नहीं सकते, और आने वाले टाइम में हमारे सांस भी बंद करने की कोशिश करेगी। इसलिए हर किसान की जिम्मेवारी बनती है कि आज अपने ताकत के बल पर, अपनी हिम्मत के बल पर जो काम हम करते हैं, सारे देश को अनाज पैदा करके खड़ाते हैं, उनका पेट भरते हैं, सीमा पे हमारे बच्चे खड़े हुए हैं जो कि इनको रात को सोने के लिए देते हैं, इनकी कोठियों का पैरा हमारे बच्चे देते हैं, और फिर भी सबसे ज्यादा जो बेइज्जती और जो इस भारत के अंदर मतलब जिसके साथ अन्याय हो रहा है वो किसान है और किसान का वर्ग है। दुष्यंत चौटाला कुछ बोले, डिप्टी सीएम है, बीजेपी की सरकार है, यानी थोड़े हक के बोल रहे हैं कुछ नहीं बोल रहे, या बीजेपी की बोली बोल रहे हैं? देखिए आज तक हरियाणा का जो डिप्टी सीएम है देवीलाल का पोता है, वो उसने जो वोट ली थी वो किसानों के हित के लिए ली थी। उन्होंने कहा था कि मैं किसानों की हर बात को मतलब पूरा करूंगा और हर बात को मनाऊंगा इन सरकारों से, लेकिन आज राजसत्ता का और पैसे का दम देख करके वो आज बीजेपी की बोली बोलने लगा है, और उसी की जो कहना कर रहा है, जो भी बात कही जाती है वो बीजेपी की कह रहा है वो सारी की सारी। उसको चाहिए था कि वो अपने बाप और दादा की बात को मान करके किसानों के हित में बात करता। तुसी कितों आए हो? अहीं पंजाब तो आए, जिला थे उत्तर नाल, हरियाणा भी तुहाडे नाल रल गया, सारे सूबे के किसान रल गए, जोश होर भी वध गया होना क्योंकि हरियाणा अगे लग गया, भी असीं कहिंदे सी भी तैयार हाँ कुछ भी कर। हरियाणा यूपी राजस्थान महाराष्ट्र बिहार सारे रलणगे, सारिआं नूं दुख आ किसानी दा, असीं बहुत खुश हाँ इहदे विच भी साडे नाल साडी सपोर्ट हुण वधदी जांदी। संघर्ष जित के जावे पूरा? बिल्कुल जी बिल्कुल, इस संघर्ष में ढे माध्यम राही अं कहना चाहते हाँ भी जेड़ा BSNL रेलवे एयरपोर्ट बेचते ने उदे वेच मेरे हिंदू वीर कि जॉबा गई, उन्होंने भी इस टाइम पर साडा साथ देना चाहिए। अगली बार ती गर्दन ते हाथ पै रहा, हूँ किसानों नपीड़िया जा रहा, फिर ती गर्दन नचोड़ी जाऊगी। मैं उन्होंने ताडे माध्यम राही कहना चाहना वा भी वह साड़ी आन के सपोर्ट कर, जिन्या यूनियन जिन्हें भी ट्रांसपोर्टर आ जिन्हें भी यूनियन के नुमाइंदे आ सब हड़ताल कर दें, पूरा भारत बंद कर दें। तुसी भी हरियाणा तो आए हो, की कहना चाहते? मैं हरियाणा से करनाल से आया हूँ। जो कोरोना काल में तीन काले कानून लेके आया है मोदी, ये किसान से जो टकराव पैदा किया इस उन्होंने, न्यू समझ लो इनकी कुर्सी गई,
किसान एक ऐसी चीज है, सारे देश में 80% मजदूर किसान छोटा व्यापारी सारा खेती के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और जब खेती चली गई सारा देश भूखमरी पहुंचेगा, आर्थिक कंडीशन कमजोर हो जाएगी, और काले कानून जो तीनों है इतने वापिस नहीं होंगे, नहीं इतने वापिस जाने वाले घर कह के आए हैं, और ये भी कहे हमने अगर हमारी लाश भी आओगे नहीं घर के उठा के नहीं ले जाए, यहाँ ही दफन कर देना, ये हम घर क्यों कह के आए हैं। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਡਟ ਗਏ ਨੇ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਲੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਵਾ, ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਅੱਜ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਤੇ 100% ਸ਼ੋਰ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਫੱਟੀ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਰ 144 ਦੀ ਲਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ? ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਭਰਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਜਮਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਭਾਵਾਂ ਕਿਤਨੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਯਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸਕੇ ਇਤਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੇਗਾ, ਇਤਨਾ ਹਮ ਡਟ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਡਟ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾ ਕਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਈ। हमने प्रचार करना है, सब गांव को जगाए और सबको जगाएंगे, जितना किसान है सब खड़ा हो लिया, ये कानून इन्हें वापिस लेने पड़ेंगे, खोलने पड़ेंगे, और इतना यह नहीं वापिस करेंगे नहीं, कट्टर दुश्मन मोदी हम पक्ष नहीं हटाएंगे। किसान जाग चुका है, गली गली में शोर कर दिया, और इस दिल्ली में चोरों ने पकड़ांगे, दिल्ली में चोर बैठे हैं, खाएंगे माल न मारना है, जिसने किसानों का माल खाया है तीनों ने पहला का तीनों का उनको गोदरी बिठा रखी है हरियाणा लिया के, तो बंसी लाल का बंसी लाल के बिठाई, चटा लगे बिठाई, भजन लाल के बिठाई, ये देख लाग रहे बोर्ड का सत्ता में नहीं आवेंगे, जो हरियाणा का किसान का श्राप लग गया इनका। हरियाणा के किसान हुण पंजाब दे नाल ने पूरे सारे, हम एक छोटे बड़े भाई हाँ, मारा सहायता करी है पंजाब वाले ने, आए हैं हरियाणा वाले की बड़ी सहायता करी है, इनका धनबाग है भाइयों का, हमें गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं, हमें किसान एक भाई हाँ, एक हमें उस किराया, देखो जी जो मारा था जय कैग्रहणी गुरुद्वारा, तो वह बहादुर हैं, हम उनके आशीर्वाद करा उराया कि मारे मदद करे, हरियाणा में आने के मदद करी अपने भाइयों ने। थोड़ा खट्टर खट्टर जो मुख्यमंत्री हरियाणा का, वो कह रहे भी हरियाणा के एक भी किसान नहीं इतने आया, ताडे आगू भी गिरफ्तार किए गए सरकार वालों, उन्हें क्या पता है, हम हरियाणा वाले सब खड़े हाँ, सुदा जेड़ी सुदा ओके, कट्टर क्या बेरा है, कटने न्यू भी बेरा है, कितनी बोनी है कितनी काटनी है पूछो जाएगा, कहाँ एकड़ में कितना बीज बोया जाता है पूछ लो जाएगा, उन्हें क्या पता है, वो तो पाकिस्तान तो आए थे रूरान के, वो बर्फ खगड़ हो गए। हूँ दोबारी जब चोना होनी है खट्टर की घेराबंदी करोगे तो सांचे डाले परिवार साहब, हमें हमने जो पछला की घेराबंदी कर रखी इनकी पूरी घेराबंदी करांगे, इन्हें छोड़ांगे नहीं, हाँ पंजाब के किसान भी ने गलबात करांगे, लगातार गलबात कर रहे हैं असं, ये हरियाणे के किसान ने
लगातार मोर्चे डटे हुए ने। पंजाब के किसान हरियाणे के किसान कट्ठे हो गए हैं, सरकारों को जी फिक्र पै गई है भी किसान कट्ठा किमें हो गया, गलबात करते हैं कितों आए हो? सवाल करो मैं कितों असी आए हैं? हलका घनौर तो किसान यूनियन क्रांतिकारी यूनियन बिलोंग करते हैं असी। मैं सुरिंदर सिंह सरपंच पिंड संधार सी ब्लॉक घनौर। हुण हरियाणे के किसान भी तुहाडे नाल डट गए ने, लगता संघर्ष सानू ये बहुत खुशी है। सानू पहला लगता जो असी पिंडों तुरे हैं भी असी शायद कल्ले हैं, हूँ सानू लग रहा है भी जरा पूरा हरियाणा है साढ़े नाल है। सानू हूँ बिल्कुल कोई फिक्र नहीं। खट्टर जी मैं कहता भी हरियाणा का कोई किसान नहीं है, वह बिल्कुल झूठ है। 50 तो 60 हज़ार किसान हरियाणे का तो इतने मौके पर मौजूद है। खट्टर पंजाब के किसान किसान बारे कोई पता नहीं। खट्टर ये भी नहीं दस सकता भी झोने का बीज कि पैंता और बाजरे का कि पैंता, मक्की का कि पैंता, की रेट होना चाहिए। सरासर धक्का हो रहा सारे MSP दे। परसों मैं चैनल देख रहा सी पूरे भारत के 80 तो 90% फसल है जी वो MSP तो हेठा बिकी है, जो सरासर किसान ने धक्का है। मक्के का रेट 1850 रुपये क्विंटल है जोड़ा 1100 तो 1200 रुपये बिकता रहा। उही झोना पंजाब 1888 रुपये बिकता रहा, उही झोना बिहार 1100 तो 1200 बिकता रहा। इतों बड़े व्यापारियों ने कोविड पर चक के झोना वो पंजाब बेचा, जोड़ा कि साढ़े उन्हें सारी जड़ी चोन खरीद व्यवस्था वो सारी चरमरा दी। जी किसान का जोड़ा सरकार का टारगेट से बेदगी इतना झोना पैदा होगा उस तो 33% झोना पंजाब ज़्यादा आया, वो सारा इधरों गया। बिहार की और होर किसानों की लुट हुई है और पंजाब जो ही झोना बड़े मंत्रियों ने बड़े लीडर ने रल मिल के 1888 रुपये वो झोना बेचा। असी इसका जोरदार विरोध करते हैं। MSP पूरे देश दे 100% लागू होनी चाहिए है, जिमें कि हूँ पंजाब हरियाणा लागू है। असी सारे इंसाफ देना चाहते हैं, भावें महाराष्ट्र है, भावें हरियाणा है, भावें UP है, भावें नागालैंड है, जिमें उत्थे फलां बारे और होर बारे जो कुछ भी है पूरे देश एक सिस्टम होना चाहिए। जिमें सरकार कहती है भी सरकार मजदूरों किसानों हूँ आजादी मिली है, जिथे मर्जी को फसल बेच सकता है। बज मैं 2 एकड़ किसान जमीन का मालिक है, मैं अपनी फसल 10 किलोमीटर भी पहुँचा नहीं सकता। मैं अपनी फसल पहुँचा बिहार तो लैके पंजाब की मैं बेच सकता। मैं सानू नेड़े तो नेड़े मंडी करना चाहिए है। ये सरासर धक्का है, ये सरकार ने सानू लॉलीपॉप जो दिखाया। हूँ किसान वो किसान नहीं रहा, किसान हूँ बहुत पढ़े लिखे हैं। किसानों के बेटे BCOM MCOM MA उस तो भी बद। मैं कहना भी अद्धी तो बद जी सरकार है वो साढ़े किसानों तो घट पढ़ी लिखी है, असं उन बद पढ़े लिखे हैं। मैं 40 साल तो पहला BA की हुई है, जोड़े मर्जी मंत्री मेरी गल कराओ मैं उधर टेबल टाकर तैयार है। किसी भी विषय से मेरे गल कराओ भावें मोदी की करा दो, मेरे गलों का जवाब दे दे असं अपने घर चले जावे। वाहिगुरु जी का खालसा। एक किसान सी लगातार हरियाणा ते पंजाब दे किसान कट्ठे हो रहे हैं, एक हो रहे हैं, सरकार नू जिहड़े घेर रहे हैं। सरकार दी भी चिंता वध रही है, कट्ठ बहुत हो गया इत्थे किसानों का, लखां दी तादाद जिहड़े किसान इत्थे पहुंचे ने। किसानों का यही कहना भी खेती कानून बिल ने जिहड़े सरकार कानून पास किए ने वापस लवे, नहीं असीं इत्थों जित के जावांगे। सरकार के खिलाफ साडा रोस प्रदर्शन जारी रहेगा, तुसीं लगातार देखते रहो। तुसीं हैरान तो जरूर हो रहे हो कि एक बंदा पेंट कमीज़ पा के ट्रैक्टर चला रहा है, खेती कर रहा है। जी हाँ, दुनिया बड़ी तेज़ रफ्तार नाल बदल रही है, तो फिर साड़ी खेती क्यों ना बदले। खेती नू लाहेवंद बनाउण लई बहुत जरूरी है आधुनिक जानकारी अते तकनीक नाल जुड़ना। केंद्र वालों कानून आया है, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ ਬਦਲਦੀ ਖੇਤੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੋਅ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹਰ ਐਤਵਾਰ 7:30 ET ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV 'ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਫਾਇਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।